दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एलडीसी भर्ती 2018 जो 481 पद काटे गए और जो चयनित अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है उसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले अन्य भर्तियों को लेकर, युवा बेरोजगारों की अन्य समस्याओं को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों कोरोना महामारी एक पूरे देश और पूरे विश्व में एक बड़ी एक प्रकोप है, एक बड़ी महामारी है जिसको लेकर विश्व के सारे देश चिंतित हैं। आपने देखा होगा कि एक सुनसान, एक पूरा विश्व एक तरह से घबराया हुआ है और उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन कर हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं घरों में रहिए, हमारी जनता, हमारे प्रदेश के लोग वो लगातार इसकी पालना भी कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लगातार पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोगों को कोरोना को समझना होगा। दोस्तों आपने देखा होगा लगातार इसके संख्या बढ़ती जा रही पूरे देश में और प्रदेश में भी दौड़ नहीं थमा, न देश में दौड़ थमा। ये दौड़ तब समेगा जब हम लोग साथ रहेंगे, चाहे कर्फ्यू हो चाहे लॉकडाउन हो, उसकी पालना करेंगे। क्योंकि आवश्यक सेवाओं के लिए कुछ जगह कर्फ्यू में और लॉकडाउन में ढील दी गई है, लेकिन उसका सदुपयोग करें। हर व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले, वही व्यक्ति निकले जिसको इमरजेंसी हो और बहुत जरूरी है वही बाहर निकले, अन्यथा सरकार के आदेशों की पालना करें, निर्देशों की पालना करें। दोस्तों लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज आते हैं, चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 हो, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे 18 हो, चाहे आप लैब टेक्नीशियन भर्ती 2018 हो, चाहे रीड शिक्षा भर्ती 2020 हो, पटवारी हो, तमाम भर्तियों को लेकर लगातार कॉल और मैसेज आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये कहूँगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारी जिंदगी बचेगी तो हम नौकरी कर पाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा, लेकिन आप कुछ सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार रोज मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों से मॉनिटरिंग करते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी क्या करते हैं, तो पूरी सरकार उसमें बिजी है। तो आप समझ लीजिए कि जब पूरी चहल पहल एक तरह से रुक चुकी है, आप देख लीजिए शून्य सूना पूरा मार्केट है, पूरा राजस्थान की गलियां है, आप देखिए एक तरह से कोरोना महामारी की वजह से एक तरह से सुनसान हो चुका है, और वो सुनसान हुआ है वो कर्फ्यू और लॉकडाउन इसलिए लगा हम लोगों को बचाने के लिए। चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जनता सुरक्षित रहे, कोरोना महामारी से जीता जाए। तो दोस्तों मैं आपकी समस्या समझता हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में आपको अवगत करवाया था कि आप लोगों की पूरी सहायता की जाए, जहाँ तक होगा पूरा सहयोग किया जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मैं लगातार आप लोगों के लिए आपकी पीड़ाओं को देखते हुए मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहता हूँ, सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, आपकी आवाज़ उठाता रहूँ। 1 जुलाई को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ पद से मैंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद लगातार जब कोई अध्यक्ष नहीं मिला तो 4 मार्च तक मैं अध्यक्ष रहा, उस पर मैंने इस्तीफा दिया, नया अध्यक्ष रविंद्र चौधरी बनाए, वो जल्द ही नई कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और वो कार्यकारिणी आप लोगों के लिए लगातार प्रयास करेगी, संघर्ष करेगी पहले के भांति, क्योंकि वो भी आप लोगों को परिणाम देगी। लेकिन मैं संयोजक पद पर रहते हुए मैं उस जो अभी जो नव निर्वाचित जो अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको हर चीज़ समझाने में लगा हूँ कि ये विभाग ऐसा है जो हर चीज़, ये विभाग से लेकर अधिकारियों तक उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार काम किया जाता है, किस प्रकार काम निकलवाया जाता है, किस प्रकार बेरोजगारों की समस्याएं पूछाई जाती। तो कुछ दिन जब तक वो समझ नहीं पाए, जब तक मैं संयोजक पद पर हूँ, समझने के बाद वो जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हो जाएंगे, मैं संयोजक पद पर भी नहीं रहूँगा। क्योंकि लगातार 9 साल आप लोगों की मैंने सहायता की है, हर 1.5 से 2 लाख लोगों को उसका फ़ायदा मिला है, वो आज जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कोरोना महामारी के दौरान लगातार लोगों के कॉल मैसेज आते रहते हैं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, क्योंकि आप चिंतित हो कि हाँ आने वाले समय में क्या हमें रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा। लेकिन जो तमाम देशों के साथ होगा वही हमारे साथ होगा, जो नसीब में होगा वो होगा, क्योंकि हमें हर चीज़ को समझना होगा, हर परिस्थिति को समझना होगा। वर्तमान परिस्थिति यही है कि हम सबको एक ही आवाज़ में कहना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम आपके साथ हैं, आप जैसा निर्देश दोगे हम उसकी पालना करेंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि जो भर्तियां हैं, लंबित भर्तियां हैं, उसको लोग जो अभ्यर्थी कई महीनों से कई सालों से परेशान है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे एलडीसी भर्ती 2018 हो, चाहे एलडीसी भर्ती पंचायत राज 2013 हो, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 हो, राजस्थान पुलिस 2018 की एक और सूची का मामला हो, रीड शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची का मामला हो, चाहे 16 हो संस्कृत विभाग की एक और सूची का मामला हो, चाहे रीड शिक्षक भर्ती 2020 का लेवल 2 का जो पैटर्न का मामला हो, चाहे उनकी एग्जाम और विज्ञप्ति का मामला हो,
तमाम वो मामले हैं, तमाम वो नई भर्तियां हो, चाहे वन रक्षक हो, वनपाल हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, फार्मेसिस्ट हो, पुस्तकालय अध्यक्ष जिनकी परीक्षा तिथि जारी होनी है, तमाम मुझे पता है आप लोगों की समस्याएं, नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जैन भर्ती की भी हो अभी जो आवेदन प्रक्रिया चली थी दोस्तों, जिन मैं आपको पहले बता दूं, जिनकी आवेदन प्रक्रिया चली थी लॉकडाउन हो गया था, कर्फ्यू लग गया था, जिसकी वजह से आप लोग आवेदन नहीं कर पाए, उसमें आपको मौका मिलेगा, जो जो समस्या आई उसमें आपको मौका मिलेगा। अब सवाल है कि ऐसे समय में हम सरकार के साथ खड़ा रहे। तो दोस्तों आज जो मैं लाइव आया हूँ इसलिए कि लगातार मैं तीन दिन से देख रहा हूँ कि एलडीसी भर्ती 2018 को लेकर दो तरह से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, एक तो 481 को लेकर और एक जो चयनित अभ्यर्थी हैं जो अधीनस्थ के हैं, अधीनस्थ सेवा के हैं, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि सचिवालय वालों को ज्वाइनिंग ऑनलाइन मिल चुकी है, ऐसे में आरपीएससी को मिल चुकी है, ऐसे में ये कह रहे हैं कि हम लोगों की ज्वाइनिंग बाकी है, सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो दोस्तों हालांकि ऐसी परिस्थिति में अच्छा भी नहीं लगता कि मैं सीएम साहब से निवेदन करूं, कहूं कि साहब आप ज्वाइनिंग दे, तो वो उनके मन में भी आएगा कि इतनी स्वार्थी है, पूरे प्रदेश एक संकट में है, महामारी से जूझ रहा है, फिर भी दोस्तों आप लोगों की बात मैंने पहुंचाई है, क्योंकि आप लोगों को यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि 481 वाले भी लगातार कॉल और मैसेज कर रहे थे, फिर भी मैंने आज सीएम सचिव साहब से बात की है, कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की बात सीएम तक पूछे, सीएम साहब समय निकाल के आप लोगों का भी भला करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एलडीसी भर्ती 2018 सबसे पहले जो अधीनस्थ के हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, उनमें मैं बता दूं कि आज जो आप लोगों की जो प्रक्रिया है, क्योंकि जो ग्रुप तीन है प्रशासनिक सुधार विभाग का ग्रुप तीन है, उसमें अधिकारी लगातार आपकी भर्ती को लेकर कार्य कर रहे हैं, वो छुट्टी पर नहीं है, वो कार्य कर रहे हैं, आपकी भर्ती को लेकर कार्य कर रहे हैं। 17 तारीख तक आपके जो ऑप्शन मांगे गए थे, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासनिक सुधार विभाग ARD ने आपका जो डेटा, जो हर जिले से जो डेटा उन्होंने मंगवाया था कि कौन से जिले में किस विभाग के कितने पद खाली है, विभाग के कितने पद खाली है, वो डेटा उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी DIT को सौंप दिया है, और DIT सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अब उस डेटा को फीडिंग करने का काम कर रही है, जो डेटा सौंपा है उसको फीडिंग करने का काम अब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में चल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अभी भी कार्यालय उनके खुले हुए, वहाँ किसी कार्मिक की छुट्टी नहीं है, तो वहाँ आपका कार्य चल रहा है, उससे पहले आपका काम ग्रुप तीन में चल रहा था, तो लगातार आपका कार्य चल रहा है, इस कोरोना महामारी के दौरान भी आपका कार्य चल रहा है, मेरी बात हुई है। अब यही है कि वो डेटा फीडिंग होगा कि किस जिले में कौन से विभाग के कितने पद खाली है, उसके बाद आपके विभाग आवंटन होंगे, विभाग आवंटन होंगे, और विभाग आवंटन के बाद दूसरा प्रोसेस आपका जिला आवंटन का होगा। तो दोस्तों जहां तक आप लोगों को इतना ही कह सकता हूं कि आप जो LDC भर्ती 2018 के जो लोग अभ्यर्थी चिंतित हैं, उन लोगों की कहूंगा कि लगातार आप लोगों का सहयोग किया है, ऐसा ना सोचे कि मैं कोरोना महामारी के दौरान कोई ट्वीट नहीं कर रहा या कोई वीडियो नहीं डाला था आपको भूल गए, नहीं, जहां आपको जीरो से लेकर यहां तक लेकर आए, तो मंजिल तक पहुंचाने का जो आपसे वादा किया था वो पूरा करेंगे। और आज इस संबंध में मेरी बात हुई है, यही है कि डेटा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंप दिया गया है, वो फीडिंग का काम चल रहा है, फिर उसके फीडिंग का काम होने के बाद आपका विभाग आवंटन होगा, विभाग आवंटन के बाद जिला आवंटन, और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश होंगे। तो दोस्तों इसमें आप लोग चिंतित ना हो, क्योंकि लगातार कार्मिक आपका कार्य कर रहे हैं। अब लोग ये पूछेंगे कब तक हमारे विभाग आवंटन हो जाएंगे, जिला आवंटन हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फीडिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अब वो टाइम 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, उसके बाद आपका विभाग आवंटन होगा, 7 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना महामारी को लेकर कभी कौन सा कर्मचारी नहीं आता, कभी कौन सा अधिकारी नहीं आता, तो इसमें समय की कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है। लेकिन आज जो बात हुई, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, उन्होंने बताया कि जो हम लोगों की मन में शंका यह थी कि कहीं ना कहीं इस दौर को देखते आपकी नियुक्ति प्रक्रिया रुक सकती है, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि LDC भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रुकेगी, जल्द ही प्रोसेस पूरा करके उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्योंकि ऐसे समय में अभी भी कार्मिक कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आप लोगों से वादा किया था मार्च अप्रैल में ज्वाइनिंग दिलाने का, आपने देखा होगा अप्रैल में और मार्च में आपके साथी जो RPSC वालों को ज्वाइनिंग मिली है, और अप्रैल में आपके साथी जो थे उनको ज्वाइनिंग सचिवालयों को मिली है। रही बात आप लोगों को, अभी तक आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है, और आप कई लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी होती है यदि कोरोना महामारी नहीं आती तो, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था, ये हमारे साथ नहीं पूरे विश्व के साथ ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा संयम रखना होगा। आपका प्रोसेस चालू है और जल्द ही
आप लोगों को खुशखबरी देने के लिए, और आप लोगों को क्योंकि हमेशा खुशखबरी दी है, हमेशा आपका अच्छा किया, तो जल्द ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कार्य जल्द से जल्द पूरा हो, जल्द से जल्द आपका विभाग आवंटन हो, जिला आवंटन हो, आपकी नीति आदेश जारी हो। जैसे कोई अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन अब ये फिलहाल आपके लिए यही अपडेट है कि आपका कार्य प्रोसेस में है, कार्य भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भी जो फीडिंग का कार्य चल रहा है वो कार्य भी कार्य है, और पहले ग्रुप तीन में चल रहा था कार्य, तो अब बात ऐसी है कि अब फीडिंग के बाद आपका विभाग आवंटन फिर जिला आवंटन होगा, तो जल्द ही ये होगा, उसके बाद आपकी नियुक्ति का आदेश होगी। मुझे पता है आपका साथ देना है, उसको ज्वाइनिंग करवाना है, इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी भर्ती पत्री अटकेगी। 481 की वजह से चयनित अभ्यर्थियों का बुरा नहीं होगा, और चयनित अभ्यर्थियों की वजह से 481 का बुरा नहीं होगा, मेरे लिए दोनों सम्मान है। चयनित अभ्यर्थी या न सोचे कि आपकी भर्ती अटकेगी, नहीं अटकने दूंगा, आप लोगों से मेरा वादा है आपकी भर्ती नहीं अटकेगी, आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। रही बात 481 के मामले में, मीडिया पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, MLA मंत्री भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने आज ही बात रखी है, एक बार फिर विभाग से पूछा गया है, जो प्रशासनिक सुधार विभाग से एक बार इस मामले में फिर रिपोर्ट मांगी गई है, मैंने आपकी बात आज भी रखी है, मैं भूला नहीं हूँ। क्योंकि 15 मार्च को जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मीटिंग हुई थी, तो दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने कई मुद्दों को लेकर मुझे पर्सनल टाइम दिया था, मुझे कहा था कि आप अकेले आना, तो दोस्तों उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने तमाम मांगे रखने वाला था, चाहे आपकी ये LDC भर्ती 2018 की 481 पद कम करने का मामला हो, चाहे रीट शिक्षा भर्ती 2020 18 नर्सिंग भर्ती, तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर मैं CM साहब के सामने बात रखने वाला था, लेकिन किस्मत हमारी खराब थी क्योंकि कोरोना महामारी आ गई, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश की जनता को बचाने में वो लगे हुए, ऐसे में अब कोरोना समाप्त होगा, जब हम सबको इससे निजात मिलेगी, उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होगी तो मैं आपकी बात भी रखूंगा। मेरा जो प्रयास था, जहां तक प्रयास था, मैंने प्रयास किया और आगे भी करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी मेरी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो 481 की बात मैं मजबूती से रखूंगा और आपके अभ्यर्थी को मैं साथ लेके जाऊंगा। मैंने जब कल, आज मीडिया में भी आपकी खबर आई है, क्योंकि कल मैंने रमेश और गगन को भी फोन करके बता दिया था कि कल आपकी खबर भी आएगी और मेरी बात भी होगी, और आज मेरी बात भी जो आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, तो दोस्तों आपका भी पूरा सहयोग करूंगा। 2018 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी जो मैंने पूरी आपको अपडेट दे दी है, इसके अलावा दोस्तों रीट शिक्षा भर्ती 2020 है, दोस्तों अभी आपको बता दूं 2 सितंबर फिक्स है, लेकिन यदि कोरोना महामारी मान लीजिए मई जून चला गया तो फिर क्या सितंबर में हो पाएगी, तो बात ऐसी है कि अब जो अभी फिक्स है, लेकिन कोरोना महामारी का देखा जाएगा, ये मई में 3 मई को हमारा लॉकडाउन खुलता है, मई में इस कोरोना महामारी से हमें निजात मिल जाती है, खत्म हो जाता है, तो कहीं नहीं कि आपके 3 सितंबर को एग्जाम होगी, अन्यथा आगे भी जा सकती है, इसको फिक्स नहीं माने, लेकिन ये जरूर है कि आप लोग घर बैठे तैयारी करते रहे, ये ना सोचे बाद में, ये नहीं कहे कि हमने तो तैयारी नहीं की साहब, तारीख बढ़ाओ, तारीख नहीं बढ़ेगी यदि कोरोना समाप्त हो गया तो सही समय पर होगी, कोरोना यदि लगातार चलता रहा, मई जून जुलाई निकल गया तो कैसे एग्जाम हो पाएगी, इसलिए घर पर तैयारी करें, तैयारी ही आपके काम आएगी और वही तैयारी आपको मंजिल पर पहुंचाने का कार्य करेगी। इसके अलावा दोस्तों तमाम जो भर्तियां हैं इनका नाम नहीं ले पा रहा मैं, लेकिन जहां तक सहयोग होगा आप रविंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष से भी संपर्क करिए, मैं भी पूरी मदद करूंगा, लेकिन एक बार कोरोना समाप्त हो, एक बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक बार इससे फ्री हो जाएं, एक बार, क्योंकि वो चिंतित हैं, लगातार अधिकारियों से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, तो आप सबसे मेरा निवेदन है एक बार वो फ्री होते हैं तो मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आप सब लोगों की बात रखूंगा। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक सवाल ये उठ के आ रहा है, जो लोग लगातार यहाँ कोचिंग कर रहे थे और जैसे लॉकडाउन लगा, जैसे कर्फ्यू लगा, तो वो लोग घर चले गए, अब उनके दो महीने हो जाएंगे किराए के, तो वो है कि हमारा किराया मकान मालिक मांग रहे हैं, तो दोस्तों किराए के संबंध में भी मैंने बात रखी थी, अब दोबारा क्योंकि मुख्यमंत्री जी साहब से निवेदन करेंगे, वो भी अपील ही कर सकते हैं जनता को, क्योंकि वो कह सकते हैं, तो हम उनसे अपील करेंगे, निवेदन करेंगे किराया माफ हो, क्योंकि सब लोग घर पे हैं, क्योंकि उन्होंने कोचिंग की फीस भी दे दी कमरा किराया भी मांगा जा रहा है, तो ऐसे बेरोजगार कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि मजदूरों के आपने किराया माफ किया बहुत सराहनीय है, लेकिन मजदूर तो कमाते भी थे, बेरोजगार तो घर से आते हैं, बेरोजगार होते हैं वो लोग, तैयारी करते हैं और अब तैयारी भी नहीं हो पा रही, घर जा चुके, तो उनका किराया बेकार लग रहा है। हालांकि मजदूर की जो स्थिति है, हम जानते हैं कि मजदूर को इतनी मजदूरी मिलती है कि वो कमरा किराया और घर खर्चा चला पाता है बड़ी मुश्किल से, तो वो उनकी उन्होंने सरकार ने जो कमरा किराया माफ करने का जो निर्णय, चाहे दिल्ली का हो चाहे वर्तमान सरकार ने भी कहा, तो ये स्वागत ही हो गया, धन्यवाद देते हैं कि मजदूरों से पैसा नहीं, लेकिन बड़ी आशा है कि हम बेरोजगारों को भी जो लोग तैयारी करें उनको छूट मिले। इसके अलावा दोस्तों जो कोचिंग वालों ने जो फीस ले ली है, जो कोचिंग वालों ने कोर्सेज की जो फीस ले ली है, चाहे रीट की हो चाहे पटवारी हो चाहे पुलिस की हो, उनको या तो पैसे वापस देने होंगे या आपको कोचिंग करवानी होगी,
आप इसलिए घबराएं नहीं कि कोचिंग वाले आपकी फीस ले ली आपको कोचिंग नहीं करवाएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हम हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, या तो वो फीस आपकी वापस देंगे, फीस नहीं देंगे तो वो आपको कोचिंग करवाएंगे, उनको कोचिंग करवानी होगी क्योंकि आप लोगों ने फीस दी है, इसलिए कोचिंग फीस दे दी वो अभ्यर्थी भी ना घबराएं। और है किराया माफ वाली, वो बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, क्योंकि ये जो पटवारी पुलिस रीट की तैयारी करने वाले एक गरीब परिवार से आते हैं, एक मध्यम परिवार से आते हैं, तो वो इस आर्थिक भार को सहन नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी राहत मिले ये बात भी हम रखेंगे। लेकिन तमाम वो भर्तियां एक बार सामान्य स्थिति हो जाए, जिनकी परीक्षा तिथि जारी होनी है वो बात भी रखेंगे, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो गई, जिनका परिणाम जारी हो गया उनको ज्वाइनिंग देनी है वो बात भी रखेंगे, क्योंकि चाहे सेकंड ग्रेड 2018 हो, तमाम भर्तियों का मुझे पता है, लेकिन आज ये नहीं कहूँगा वो है कहने की स्थिति नहीं है, अभी स्थिति यही है कि कोरोना कब समाप्त होगा, कोरोना समाप्त होगा तो मजबूती से आपकी बात रखेंगे। हालांकि जल्दी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकारिणी की घोषणा कर रहे हैं, वो टीम उसमें मजबूत लोग जुड़ेंगे, आप रविंद्र चौधरी से संपर्क कर सकते हैं, नई टीम में आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको अचानक जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आप लोगों को लगा कि अचानक छोड़ दिया, तो मैं आपको पहले, क्योंकि जब मैंने जुलाई में इस्तीफा दिया था तो एक साल पहले बता चुका था कि मैं जुलाई में इस्तीफा दे सकता हूँ, एक साल पहले, और एक साल बाद मैंने इस्तीफा दिया, और अब जो संयोजक के लिए कह रहा हूँ कि फिर कहोगे ये क्या होगा, क्योंकि 9 साल से मैं कार्य किया हूँ, क्योंकि संगठन लगातार खून पसीने से सींचा है और इसका परिणाम मिला है, लेकिन जितना सहयोग होगा, जहाँ तक मैं हूँ आपका सहयोग करता रहूँगा। आप सबसे मेरा ये निवेदन है, एक बार कोरोना महामारी समाप्त हो जाए उसके बाद तमाम जितनी भर्तियाँ, चाहे लंबित हो, चाहे नई भर्तियाँ हो, चाहे परीक्षा परिणाम हो, चाहे परीक्षा हो, तमाम भर्तियों की मांग हम CM साहब के सामने रखेंगे, जिससे जल्द से जल्द बेरोजगारों को रोजगार मिले और राहत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।